पंजाब भर के मुलाजमीन का दरीना मुतालबा मंजूर हो चुका है। 11 जुलाई 2023 को क्या होने जा रहा है, इसकी क्या डिटेल है, अब मुलाजमीन इतने क्यादत क्यों खुश है, आइए देखते हैं। भर के मुलाजमीन और बिलखसूस पंजाब के मुतासरा मुलाजमीन और कैदीन बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आपसे मुखातब होते हुए बतौर मरकजी सदर अफ्रीका पाकिस्तान और सदर अफ्रीका पंजाब हाजी मोहम्मद शाह चौधरी, आप सबसे अपील करता हूं कि 11 जुलाई को काशिफ चौधरी साहब, सुल्तान मुजद्दी साहब ने भी डे एंड नाइट धरने की कॉल दी हुई है, तो आपका पाकिस्तान और आपका पंजाब के प्लेटफॉर्म से भी हम 11 जुलाई को सिविल सर्किट के बाहर डे एंड नाइट धरना, उस वक्त तक वो धरना जारी रखने का ऐलान करते हैं जब तक एनपीआर में जो भी तरामीम की गई है वो वापस नहीं ले ली जाती और वफाक की तरह दीगर सूबों की तरह तनख्वाह और पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन धरने की बुनियाद पर नहीं कर दिया जाता और पंजाब में ग्रुप इंश्योरेंस का नोटिफिकेशन नहीं किया जाता और डीआरए 25% 2022 जो है वो जो इनिशियल पे दिया हुआ है उसे भी रनिंग पे करवा कर इंशाल्लाह ताला वो धरना खत्म किया जाएगा। सुल्तान मुजद्दी मरकजी व स्पाइस सदर अफ्रीका पाकिस्तान, आज जो पंजाब भर के मुलाजमीन के साथ ये पंजाब हुकूमत ने जो जुल्म की इंतहा की हुई है, जो लीव इनकैशमेंट को ख़त्म कर दिया है और इसके अलावा ये बाकी सूबों और वफाक में रनिंग पे दिया जा रही है, तनखाओं में इजाफा यहाँ पर हमें इनिशियल पे दिया जा रहा है और इसके अलावा जो हमारा ग्रुप इंश्योरेंस का मसला है और दीगर जो जितने मुतालबात हैं, ये इसहाकदार साहब वजीर खजाना जो पेंशन असरात के नाम से जो बाकी भी ये इकसरा एग्रीमेंट को बंद कर रहे हैं या पेंशन को कम कर रहे हैं, तो सारे पंजाब भर के मुलाजमीन से मेरी अपील है, पेंशनर असरात मुलाजमी सारे भाई बहने जिस जिस महकमे में हैं उनसे ये दरख्वास्त है, ये अपील है कि हमने मुत्तफिका तौर पर सिविल सर्टिफिकेट के सामने ये धरने का हाजी अशाद साहब के साथ ऐलान किया है, तो मेरी आपसे अपील भी है, दरख्वास्त भी है, कोई मुलाजम पंजाब भर के जिले से पीछे न रहे, हर मुलाजम यहाँ बसों के साथ अपने अपने बैनरों के साथ काफलों के साथ अपने इन भाइयों के साथ शामिल हों और इस माहौल में धरने के लिए जो आ रहे हैं दोस्त वो ये जेन बना के आए कि धरना 2-3 दिन उससे भी ज्यादा जारी रह सकता है। मेरी आपसे फिर अपील है भरपूर इसमें शिरकत करें, पंजाब भर से अपने साथ बैनर लाएं, वो पीछे बंदे अपने छोड़ के आए जिलों में तो जो वहां भी एहतजाज करे रिकॉर्ड हो, पूरे पंजाब में एहतजाज होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ शहजाद चौधरी, सूबाई सदर अगीका पीटीयू ऑफ बैंक पंजाब। सबसे पहले तो मैं जनाब हाजी इरशाद साहब का शुक्रगुजार हूं कि हमने एक माह पहले तकरीबन काल दे रखी है 11 जुलाई को एहतजाजी धरने की और उस धरने का मकसद ये है कि जो तनख्वाहों के अंदर वफाक से हटकर एक तफरीक पैदा की जा रही है कि पंजाब के अंदर वो रनिंग बेसिक पर नहीं दिया जा रहा है, उसके खिलाफ एहतजाजी धरना है और इसी तरह जो एलपीआर के कवानीन में तब्दीली की गई है उस तब्दीली के नोटिफिकेशन की वापसी है और पेंशन के अंदर जो है इजाफा वो 17.5% के हिसाब से जो वफाक ने ऐलान किया है वही पंजाब में इम्प्लीमेंट हो, तो यही 3-4 मुतालबे हैं जिनके लिए हाजी इरशाद साहब ने भी अपनी पूरी टीम के साथ जिसके अंदर पंजाब टीचर यूनियन के साथी अल्लाह रखा गुजर साहब और मलक लतीफ शहजाद साहब भी शामिल हैं, उन्होंने भी हमारे साथ इस एहतजाजी धरने में शमूलियत का ऐलान किया है, इन सब का भी शुक्रगुजार हूँ और पंजाब के तमाम इसातज़ा कराम से और तमाम सरकारी मुलाजमीन से भी अपील है कि वो 11 जुलाई को सिविल सेक्रेटरिएट दिन 11 बजे अपने काफलों की शक्ल में पहुंचें और अपने वहां रहने का इंतजाम करके आएं। ये धरना जो है वो नोटिफिकेशन जारी होने तक और लीव इनकैशमेंट का नोटिफिकेशन की वापसी तक और तनख्वाहों में रनिंग बेसिक की जो बुनियाद पर इजाफा नहीं किया जा रहा उसको करवाने तक जारी रहेगा और इसमें आप सब से अपील है कि वहां अपने घरों में बैठने का कोई फायदा नहीं है,
अब यहाँ पंजाब में सिविल सेक्रेटरी डेरे लगेंगे तो 11 जुलाई को हर सूरत में पहुंचे तमाम मुलाजमीन, वरना ये ना हो कि वक्त हाल से गुजर जाए और आपकी पेंशन जो है हुकूमत उसको भी बंद कर दे, सालाना इंक्रीमेंट को भी बंद कर दे। अगर इन बातों से बचना है और पुराने नोटिफिकेशनों की वापसी करवानी है और तनख्वाहों में रनिंग बेसिक की बुनियाद पर इजाफा कराना है तो तमाम सरकारी मुलाजमीन बशमूल इस एहतजाजी धरने में जरूर शामिल हों। बहुत शुक्रिया मुलाजमीन इतिहास।